मोबाइल रेडिएशन कैसे आपके दिमाग पर असर करती है, देखिए कैसे मोबाइल रेडिएशन आपकी जान ले रहा है। करते हैं इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको महामारी से भी ज्यादा लोग इस रेडिएशन के कारण मारे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डेंगू मलेरिया हो या फिर हाल ही में चल रही महामारी जिसका नाम सुनकर ही लोग डर से कांप उठते हैं, पर दोस्तों ये बीमारियां तो केवल कहने के लिए खतरनाक है, असली खतरा तो आपने इस वक्त आपके हाथों में ले रखा है। क्योंकि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन जो हमें दिखती भी नहीं है, वो हमारे न सिर्फ शरीर पर बल्कि दिमाग में इतना गहरा असर छोड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि पहले के मुकाबले लोग आज मानसिक रोगों से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि क्या पता वीडियो को देखने के बाद मोबाइल के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाए। वैसे मोबाइल से याद आया कि जब तक वीडियो शुरू हो रही है तब तक आप ये कमेंट में बताओ कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन हमारे दिमाग के सेल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दिमाग के सेल से डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए जब हम ज्यादा समय तक मोबाइल चलाते हैं तो हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, और अगर यही आदत लगातार चलती रही तो याददाश्त का कमजोर होना, आंखों पर गलत असर पड़ने से लेकर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां आपको अपनी चपेट में कब ले लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल मोबाइल रेडिएशन दो तरीके से हमारी सेहत पर प्रभाव डालते हैं। पहला तरीका है हीट इफेक्ट। अगर आप एक घंटे तक लगातार अपने कान पर फोन लगाकर बात करते हैं तो आपको इससे इतनी गर्मी मिलती है जितनी एक मिनट में एक माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। जी हाँ, ये बात भी सच में सामने आई है। आप सोच लीजिए, अपने कान पर मोबाइल फोन लगाकर सिर्फ बात करना आपके लिए किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है। और दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इफेक्ट का। आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क बनाकर रखती हैं। शरीर का हर हिस्सा इन्हीं कोशिकाओं और सेल्स वगैरह की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। लेकिन मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन कोशिकाओं के बीच का जो कनेक्शन है उसमें दिक्कत पैदा करती है, और इसी वजह से लोग आए दिन अलग अलग किस्म की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तो आखिर क्या है ये मोबाइल रेडिएशन और क्यों इसने सभी की नाक में दम करके रखा है? असल में दोस्तों, हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सभी से अलग अलग प्रकार की रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन शब्द पर जाएं तो ये हमारे वातावरण में फैली एक ऐसी ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है, जिन हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये तरंगें प्राकृतिक भी होती हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी से निकलने वाली तरंगे जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है, और ये भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो तो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है जिसकी वजह से ये हानिकारक तरंगे हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, वरना सूरज की रोशनी के सामने खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। अब इंसानों का तो आप जानते ही हैं, हमें हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बखूबी आता है, इसलिए हमने इन तरंगों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम टेलीविजन के रिमोट से लेकर मोबाइल फोन और बॉडी के हर एक पुर्जे का हाल बताने वाले एक्सरे तक में हम इन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, पर एक्सरे से निकलने वाली तरंगे सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं, क्योंकि ये तरंगे आपकी हड्डियों को छोड़कर आपके पूरे शरीर के आर पार निकल जाती है, और अगर हम ज्यादा समय तक इनके संपर्क में रहते हैं तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकती है। और अब वो जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह, उनसे भी काफी मात्रा में तरंगे निकलने लगी है। हमारे आसपास मौजूद इन हानिकारक रेडिएशन की वजह से ही बॉडी में जाने वाली रेडिएशन को नापने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आम भाषा में SAR कहते हैं, और यही वो स्तर होता है जो ये बताता है हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में रेडिएशन जा सकता है। हर देश की सरकार अपने यहाँ की स्पेसिफिक ऑब्जॉर्प्शन रेट तय करती है, और इसे इंटेंसिटी तक ही रेडिएशन निकालनी चाहिए, उससे अधिक नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रेडिएशन वायुमंडल में रिलीज हो रही है तो SAR का स्तर ज्यादा बढ़ने की वजह से इंसान को बहुत ही भयंकर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और भारत में भी कुछ ऐसा ही है, जहां स्पेसिफिक ऑब्जॉर्प्शन रेट का स्तर 1.6 वाट प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मानक तय किए गए हैं,
लेकिन हमारे देश में आज तक कोई चीज कानून के हिसाब से हुई है? जब होगी तभी तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है वो अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह पर टावर लगा रही है, जिसके कारण रेडिएशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक भी पहले ही कह चुके हैं कि अगर रेडिएशन की मात्रा सही है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर रेडिएशन कुछ ज्यादा ही मात्रा में आप पे पहुंच रही है तो इसका गलत प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। रेडिएशन दो प्रकार की होती है दोस्तों, पहली तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोस्तों जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है उसमें बहुत कम लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 3000 मेगावाट होती है। माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशन, वायरलेस कंप्यूटर, रेडियो, कार्डलेस फोन और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस भी इसी में आते हैं। पर जब बात आयोनाइजिंग रेडिएशन की होती है इसमें बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जिसमें आपकी एक्सरे मशीन, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक होती हैं। वैसे दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि रेडिएशन से किस उम्र के लोगों को खास नुकसान होता है, तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दें कि ये हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है, खास तौर पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों और मरीजों के लिए तो ये ज्यादा ही हानिकारक है। तो इस बात की कोशिश कीजिए कि उनके पास कम से कम ऐसी चीजें रखें जिनसे रेडिएशन निकलती है। और बच्चों को मोबाइल न देने का कारण सिर्फ उनकी आंखों को बचाना नहीं है बल्कि फोन से निकलने वाले रेडिएशन से उनका बचाव करना भी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को बाहर जाने से रोकने के लिए मोबाइल फोन पकड़ा देंगे ताकि वो संक्रमण से बचे रहे, तो भले ही आपके बच्चे महामारी से बच जाएंगे लेकिन मोबाइल फोन की वजह से उनकी आगे आने वाली पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। जी हाँ, लॉकडाउन के समय में बच्चों को मोबाइल फोन की जितनी आदत हुई है उतना आज तक बच्चों ने कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसका उन पर काफी गलत प्रभाव पड़ रहा है। ना सिर्फ बच्चे बाहर की दुनिया में अपना संपर्क तोड़ते जा रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया और गेम्स खेलकर अपने दिमाग को मोबाइल फोन की गिरफ्त में कर रहे हैं। ये सारी चीजें अभी तो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है लेकिन बाद में उनकी जान का जंजाल बन जाएगी। कई सारे वैज्ञानिकों ने मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन पर अपनी रिसर्च की है, जिनका ये साफ कहना है कि मोबाइल फोन को कान पर लगाकर लगातार बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको अभी भी हमारी बातों पर शक हो रहा है तो जरा आंकड़ों पर नजर डाल लो, क्योंकि 2010 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक रिसर्च में खुलासा किया था कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कैंसर के जितने भी सेल्स पहले से मौजूद होते हैं वो मोबाइल के रेडिएशन की वजह से और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हंगरी में कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उस रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है उनके स्पर्म की संख्या कम हो गई। अब ऐसा होना किस बात की ओर इशारा करता है ये तो आप समझ गए होंगे, इसलिए अगर आपको नपुंसकता का शिकार नहीं होना तो भैया जरा मोबाइल फोन साइड रख दिया करो और किताबें वगैरह पढ़ लिया करो, क्योंकि एक बार इस बीमारी ने कब्जा कर लिया तो जिंदगी भर का दाग लग जाएगा। और इन सब से भी अगर आपका पेट नहीं भरता तो दोस्तों भारत के केरल में भी एक ऐसी रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया, जिसमें ये पाया गया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से मधुमक्खियों की संख्या 60% तक कम हो गई है, जिससे ये चीज़ तो साबित होती है कि ये रेडिएशन न केवल हम इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी घातक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन मोबाइल रेडिएशन से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से चिपके रहने की आदत तो किसी की जाएगी नहीं, ऊपर से जब से ऑनलाइन का जमाना है तब से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसलिए जरूरत है सावधानी बरतने की, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा लेकिन अगर आप आदत बना लेंगे तो चीजें मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि आदत आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी के लिए तो बनाओगे। अगर दिन में 2-4 घंटा मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करने से आपकी जिंदगी के 15 से 20 साल बढ़ सकते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये कहीं से भी घाटे का सौदा है। आप खुद ही गौर करिएगा, जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे तो लोग न सिर्फ ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते थे बल्कि उन्हें बीमारियां भी अपनी गिरफ्त में नहीं लेती थी। अब हालात बदल गए हैं, चीजें पूरी तरह से हमारे हाथों से निकल ना जाए उससे पहले ही हमें समझना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।